गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास से गियर्स एंड गियर ट्रेन टॉपिक का पार्ट 9। इस पार्ट में हम स्टूडेंट्स गियर ट्रेन के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट हमारा है एन एपीसाइक्लिक ट्रेन ऑफ गियर इज अरेंज एज शोन इन फिगर ए। ये हमारा फिगर ए हमने शो किया हुआ है। हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द आर्म टू विच द पिनियंस बी एंड सी आर अटैच मेक। पिनियन बी और सी यहाँ पर अटैच हैं इस आर्म से। ओके, वैन नंबर फर्स्ट हमें इसके रिवोल्यूशन निकालने हैं दो केसेस में। नंबर फर्स्ट हमारा केस रहेगा वैन ए मेक वन रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज एंड मेक्स हाफ ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज। सेकेंड जो हमारा केस है ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज एंड वैन ए मेक वन रिवोल्यूशन क्लॉक वाइज एंड डी इज स्टेशनरी। द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए एंड डी आर 40 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या क्या रहेगा डेटा टी ए यानी नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए 40, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी 90। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी। गियर बी के टीथ हम निकालेंगे। सबसे पहले लेट टी ए डी बी डी सी एंड डी डी बी द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ गियर्स ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। देयर फोर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर जैसे कि हम डायग्राम आप देख रहे हैं ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ए डाया ए गियर का डाया ये ए गियर है इसकी डायमीटर डायमीटर ऑफ ए गियर प्लस डायमीटर ऑफ बी गियर। डायमीटर ऑफ ए गियर इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी गियर प्लस डायमीटर ऑफ सी गियर। थ्री गियर्स का डायमीटर हमने ऐड किया है तीनों गियर का डायमीटर ऐड किया है और ये इक्वल किसके है डायमीटर ऑफ डी गियर जो आपका बड़ा गियर है जेनुलर व्हील जिसको हम बोलते हैं डी वो इस डायमीटर के इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना है हमारा है ये डायमीटर गियर डी का डायमीटर है टोटल और ये किसके इक्वल है डायमीटर ऑफ सी प्लस डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी इक्वल टू और एंड इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट डी ए प्लस टू बी। टू बी हम इसको लिख सकते हैं डी ए ए गियर क्योंकि डी सी और डी बी इक्वल है डी बी गियर और सी गियर का डायमीटर इक्वल रहेगा तो इसको हम टू बी लिख सकते हैं इक्वल टू डी डी इक्वल टू ऐसे। सिंस द नंबर ऑफ टीथ आर प्रोपोर्शनल टू देयर पिच सर्किल डायमीटर। ओके, हमें पता है कि नंबर ऑफ टीथ जो है प्रोपोर्शनल होते हैं पिच सर्किल डायमीटर के। ओके, एंड इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि टी ए प्लस टू टी बी इक्वल टू टी डी। नंबर ऑफ टीथ पिच सर्किल डायमीटर के डायरेक्टली क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं और टी ए हमारा कितना था 40 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम इस तरह से टू टी बी लिख दिया टी डी की वैल्यू हमारी 90 थी तो टी बी की वैल्यू हमने निकाल दी है 25 आ जाएगी यहाँ से 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा ये और आपका आ जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 25 एंड टी सी इक्वल टू 25 टी बी एंड टी सी इक्वल है नंबर ऑफ टीथ भी इक्वल होंगे। ओके एंड नाउ टेबल ऑफ मोशन इज गिवन बिलो। ये जो हमने टेबल नीचे ली हुई है इसमें हम मोशन लिखेंगे सभी के एलिमेंट्स के जितने हमारे एलिमेंट्स मोशन कर रहे हैं सबको हम यहाँ पे टेबल में लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन जैसा मैंने आपको बताया था कि आर्म जो है हम फिक्स रखते हैं तो गियर ए रोटेट थ्रू प्लस वन गियर ए रोटेट माइनस वन रिवोल्यूशन यहाँ पे हम ले रहे हैं एंड वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज होगा। ओके एंड आर्म फिक्स है हमारी तो आर्म का कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा जीरो गियर ए रिवोल्यूशन माइनस वन ले रही है। देन कंपाउंड गियर बी और सी जो है उसका रिवोल्यूशन टी ए अपॉन टी बी आएगा टी ए अपॉन टी बी। गियर ए का हमारा रिवोल्यूशन जो है माइनस ए हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट कर रहा है ये ऐसे रोटेट करेगा और जो हमारे बी गियर है जो बी है हमारा ये गियर बी ये इस तरह से रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो टी बी गियर के लिए और ए गियर के लिए स्पीड का फॉर्मूला हम लगाएंगे कि नंबर ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवन गियर जो ड्राइवन गियर हमारा जो चल रहा है गियर इसको हम बी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं इक्वल टू जो ये फॉर्मूला होता है हमारा ये यहाँ पे टीथ नंबर ऑफ टीथ ऑफ
ड्राइवन गियर, ड्राइवन गियर यानी टीबी, जौन सा गियर हमारा चल रहा है टीबी गियर के टीथ, अपन में यहाँ पे लिख लेंगे टी ए गियर के टीथ। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं यानी मोशन निकाल सकते हैं बी गियर का। तो गियर बी गियर का हमारा मोशन आएगा, इसको हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, एन बी की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, एन बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे टी ए अपॉन टी बी लिख सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर गियर, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर टी बी, माइनस लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि एन ए की जो वैल्यू है, एन ए की जो स्पीड है वो माइनस वन रिवोल्यूशन है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। जो ए गियर है, ए गियर की स्पीड माइनस वन है, इसलिए हमने इसको टी ए अपॉन टी बी लिखा है। अब ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो माइनस है, बट ये खुद में भी अपने आप में माइनस स्पीड आएगी, देन माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई जब होगा माइनस माइनस की तो प्लस हो गई, क्योंकि अगर ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये माइनस है तो ये अपने आप में प्लस हो जाएगा। नाउ गियर डी की स्पीड हमारी हो जाएगी टी ए अपॉन टी बी इंटू टी बी इंटू टी डी, ओके। टी ए अपॉन टी बी हमारा वही स्पीड हो जाएगी इसकी, इस तरह से हमारे दो गियर हैं, टी ए अपॉन टी बी इसकी स्पीड हमने निकाल ली है, टी ए अपॉन टी बी हमारी स्पीड आ गई, टी ए अपॉन टी बी है इसकी स्पीड, पॉजिटिव में है, और इसकी स्पीड जो आएगी हमारी वो माइनस में आएगी डी गियर की, ये जो टी गियर है आपका, इसमें स्पीड माइनस में आएगी। देन एन डी की जब हम देखेंगे, यानी रिलेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि एन बी अपॉन में एन डी, जो हमारा गियर ड्राइव कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ड्राइवन गियर होता है उसको नीचे, ये डी है नीचे वाला, ऊपर वाला बी है, और इसके नंबर ऑफ टीथ हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टी डी अपॉन में टी बी, इस तरह से हम लिखेंगे। और हमें टी एन डी की स्पीड चाहिए, एन डी की स्पीड के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि एन डी की स्पीड के लिए हम यहाँ से लिख लेंगे इसको, ये हमारा एन बी मल्टीप्लाई, जो एन बी है हमारा, एन बी मल्टीप्लाई टी डी अपॉन टी बी, ये टी डी अपॉन टी बी, एन बी की फिर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एन बी की वैल्यू हमने निकाली थी टी ए अपॉन टी बी, और ये हमारी आई है टी डी अपॉन टी बी, जो हमने यहाँ पे लिखा है टी बी अपॉन टी डी और टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा, देन टी बी से टी बी कैंसिल, और टी ए अपॉन टी डी हमारी इसकी वैल्यू आ गई, स्पीड आ गई, इसके रिवोल्यूशन हमारे आ गए गियर डी के, गियर डी के रिवोल्यूशन हमारे टी ए अपॉन टी डी आ गए। नाउ सेकेंड कंडीशन हम ले रहे हैं, आर्म फिक्स है, गियर ए रोटेट थ्रू माइनस एक्स रिवोल्यूशन, गियर ए जो है रोटेट करेगी माइनस एक्स रिवोल्यूशन के साथ में, लास्ट टाइम हमने माइनस वन लिया था, इस बार माइनस एक्स लेंगे, देन मल्टीप्लाई माइनस एक्स से हो जाएगी, जहाँ पे वन था यहाँ पे सपोज करिए आप वन था मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे एक्स आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स आ गया पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव रहेगा इसके स्पीड। यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने लिया है, एड माइनस वाई रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को माइनस वाई रिवोल्यूशन से हमने ऐड करा दिया कि आर्म भी अब माइनस वाई रिवोल्यूशन से माइनस वाई रिवोल्यूशन लेने लगी, जब आर्म रिवोल्यूशन लेगी तो सभी गियर में ऐड हो जाएंगे इसके रिवोल्यूशन माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, टोटल जो मोशन होगा, टोटल मोशन आर्म का है माइनस वाई, गियर ए का है माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेंगे, और यहाँ पे ये भी इसमें प्लस हो जाएगा, एक्स टी ए टी बी माइनस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट एंड सब्सट्रैक्ट माइनस वाई यहाँ से भी हो जाएगा, देन द फाइनल मोशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, इस रिलेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था कि वे व्हेन ए मेक्स वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी मेक्स हाफ ए रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन में चलेंगे, स्पीड ऑफ आर्म व्हेन ए मेक वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी में हाफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, सिंस द गियर ए मेक वन रिवोल्यूशन देयरफॉर फ्रॉम द फोर्थ रो ऑफ द टेबल की, हम फोर्थ रो से हम यहाँ पे लिखा है हमने, जो हमारी फोर्थ रो है इससे गियर ए यहाँ पे लिखा है हमने इस तरह से,
माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज में, माइनस वन ले लिया इक्वल टू वैल्यू एक्स प्लस वन वाई इक्वल टू वन आ गई। नाउ ऑल्सो द गियर डी मेक हाफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, गियर डी हाफ रिवोल्यूशन ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू हमने ये लिखा है एंटी क्लॉकवाइज में हमने प्लस लिया है और क्लॉकवाइज में हमने माइनस लिया है, यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था इसकी वैल्यू हाफ आ गई। एक्स टी ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 40, टी डी की वैल्यू 90, माइनस वाई 1/2। इक्वेशन हमारी बन गई 40x माइनस 90, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे हम 40x 90y इक्वल टू 45 आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई, इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू 1.04 हो गई, y की वैल्यू 0.04। स्पीड ऑफ आर्म की हमें निकालनी है, अगर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस तरह से, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा इधर से आगे, y की वैल्यू हमारी माइनस 0.04 है, देन ये y की वैल्यू है, तो y की रिवोल्यूशन हमारी यहाँ आ गई है इस तरह से। नेक्स्ट स्पीड ऑफ आर्म ए मेक्स वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी इज स्टेशनरी, सिंस द गियर ए मेक्स वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज देयर फोर फ्रॉम फोर्थ रो, इस तरह से हमने रिवोल्यूशन निकालेंगे इस बार हम, माइनस इसके वन रिवोल्यूशन हमने लिए हैं और गियर डी के रिवोल्यूशन है, गियर डी जो है यहाँ पे इस बार स्टेशनरी है, यानी गियर डी रोटेट नहीं कर रहा है इस बार, गियर डी के रिवोल्यूशन जीरो है, स्टेशनरी का मीन्स जीरो रिवोल्यूशन ऑफ गियर, देन जीरो के इक्वल रखेंगे और इक्वेशन हमारी नई इस बार से ये बनेंगे। फिर से हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई। ओके आई होप समझ में आया होगा सबको न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू शाफ्ट ए एंड बी आर कोएक्सियल, दो शाफ्ट हैं कोएक्सियल हैं, कोएक्सियल मींस एक एक्सिस उनकी दोनों की सेम है। गियर सी 50 टीथ हैं गियर सी के, रिजिडली माउंटेड ऑन शाफ्ट ए शाफ्ट माउंटेड है, एक कंपाउंड गियर डी गियर्स विद सी एंड एन इंटरनल गियर जी एंड डी हैज 20 टीथ एंड गियर्स विद सी एंड ए हैज 35 टीथ एंड गियर्स विद एन इंटरनल गियर जी, द गियर जी इज फिक्स एंड इज कंसेंट्रिक विद द शाफ्ट एक्सिस, द कंपाउंड गियर डी इज माउंटेड ऑन ए पिन विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एन आर्म गियर्ड टू द शाफ्ट बी, स्केच द अरेंजमेंट एंड फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन इंटरनल गियर जी एज्यूमिंग दैट ऑल गियर्स हैव द सेम मॉडल, इफ द शाफ्ट ए रोटेट्स एट 110 rpm फाइंड द स्पीड ऑफ शाफ्ट बी। गिवन हमारे पास है टी सी इक्वल टू 50, यानी नंबर ऑफ टीथ ऑफ सी गियर 50, नंबर ऑफ टीथ ऑन डी गियर 20, नंबर ऑफ टीथ ऑन ई गियर 35, स्पीड ऑफ गियर ए 110 rpm, जैसा कि अरेंजमेंट फिगर 2 में है हमारा। नंबर ऑफ टीथ ऑन इंटरनल गियर जी के लिए हम इंटरनल गियर डायग्राम देख लेते हैं एक बार हम, ये हमारा डायग्राम है, कंपाउंड है, कोएक्सियल है, इसी शाफ्ट पर हमारी बी डी और ई गियर है हमारे, एक ही शाफ्ट पर हैं इस तरह से, सी की स्पीड पता है। अब यहाँ से हम जो डायमीटर का जो निकालते हैं ये रेशो जो ये हमने लिखा है यहाँ पे डी जी, ये के डी ये टोटल जो हमारा गियर है कैपिटल जी जो वाला गियर है बड़े वाला जो गियर है डी जी, इसकी रेडियस डी जी की रेडियस यहाँ से यहाँ तक डायमीटर का हाफ होगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस डी जी बाई टू, डायमीटर ऑफ डी बाई टू रेडियस होगी इसकी, ये लिखा हमने, इक्वल टू किसके होगी रेडियस ऑफ गियर सी, गियर सी की रेडियस यहाँ तक प्लस रेडियस ऑफ गियर डी, गियर डी की रेडियस हमने लिखा, सी की रेडियस और डी की रेडियस हमने लिखी, ये इतनी आ गई, प्लस रेडियस ऑफ ई गियर की रेडियस हमने लिखी, टोटल सी की रेडियस हमारी यहाँ तक आई, सी की रेडियस आई सी बाई टू, ये टोटल लिख लिया हमने। अब जो रेडियस हमारी है ये एक रेडियस ये होगी, टोटल रेडियस इतनी होगी, ये रेडियस हमारी डी की हो गई,
डी की सी में प्लस हो गई। नेक्स्ट अब हमारी डिस्टेंस जो बची है वो टोटल डिस्टेंस ये बची है, ये डिस्टेंस हमारी किसकी रेडियस है, ई की, ये जो ये हमारा ई गियर की रेडियस हमारी ये है, ये इसमें प्लस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू से सब डिवाइड हो जाएगा कॉमन लेके, डी जी इक्वल टू डी सी डी टी डी। ओके ये हमने लिख दिया। डायमीटर ऑफ जी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सी प्लस डी प्लस ई, तीनों गियर की जो डायमीटर है उनकी इक्वल होगी जी गियर की डायमीटर। नाउ वी नो दैट कि डायमीटर पिच सर्किल डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीथ, ये नंबर ऑफ टीथ के टर्म में हमने इसको लिख लिया, डी जी जहाँ पे भी ये डायमीटर है वहाँ पे हमने नंबर ऑफ टीथ लिख दिए, सबकी वैल्यू है टोटल 105 है, वैल्यू आ गई टी जी की वैल्यू, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर टी। ओके स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट शाफ्ट बी की हमें स्पीड निकालनी है, ये टेबल हम जैसे बनाते हैं, मैंने आपको ई पी साइकिल गियर ट्रेन की टेबल बना के दिखाई थी वो इस तरह से बनी थी, कंपाउंड ई पी साइकिल गियर की ट्रेन की जो टेबल थी हमारी सेम यही है, आप वहाँ से एक बार इसको देख सकते हैं दोबारा। आर्म सी रोटेट करेगी प्लस वन रिवोल्यूशन, प्लस वन रिवोल्यूशन आर्म के लेंगे हम, सी गियर के लेंगे प्लस वन, और इधर से टी सी टी डी आ जाएगा इसका रिलेशन, वही स्पीड वाला रेशो लगा के हम, और जी की वैल्यू टी सी अपॉन टी डी इंटू टी ई अपॉन टी जी आ जाएगी मल्टीप्लाई में। नाउ हम जो हैं इस बार प्लस एक्स रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन लिखेंगे गियर सी के, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी सब में, एंड वाई रिवोल्यूशन ऐड हो जाएंगे सब में, वाई ऐड कर दिया हमने सब में, टोटल मोशन हमारा आएगा वाई एक्स प्लस वाई, वाई माइनस ये, और वाई माइनस ये जो स्पीड हमारी है गियर जी की ये माइनस हो जाएगी इनसे, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि गियर जी जो है फिक्स है, जब गियर जी फिक्स होगा तो गियर जी की जो स्पीड होगी टोटल वो क्या आएगी, ये हमारी जीरो के इक्वल होगी, ये जो स्पीड होगी आपकी गियर जी की, दिस इज द स्पीड ऑफ गियर जी इज इक्वल टू जीरो। देन वी कैन फाइंड आउट एक्स एंड वाई टर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ सी ऑन ऑफ गियर सी एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डी, सिमिलरली नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ई, एंड दिस रिलेशन इज वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स फाइव अपॉन सिक्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली वी नो दैट सिंस द गियर सी इज रिजिडली माउंटेड ऑन शाफ्ट ए, देयरफॉर स्पीड ऑफ गियर सी एंड शाफ्ट ए इज सेम, वी नो दैट स्पीड ऑफ शाफ्ट ए इज 100 आरपीएम, देयरफॉर फ्रॉम द फोर्थ रो ऑफ द टेबल, टेबल की जो फोर्थ रो है हम उससे इसके स्पीड लेंगे, गियर सी की जो हमारी स्पीड थी वो 110 आरपीएम है, इसके इक्वल हम ये रखेंगे। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोथ द इक्वेशन, फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी कैन फाइंड एक्स इक्वल टू 60 एंड वाई इक्वल टू 50। नाउ स्पीड ऑफ शाफ्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ आर्म वाई, आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को एक बार से दोबारा देख लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके थैंक यू।